Nasıl dayanırdı ki şu an? Manı basıl dayanırdı. अभी तक गीता में आपने पिछले चार अध्याय के ऊपर प्रवचन सुना, आवाज ठीक है?
पहले अध्याय में अर्जुन को युद्ध भूमि में अपने संबंधियों को देखकर मोह उत्पन्न हुआ, उसके मन में विषाद उठा। पहले अध्याय को विषाद योग कहा गया। विषाद योग इसलिए कहा गया कि जब कोई व्यक्ति किसी असमंजस में होता है, जब उसे स्वयं में किसी भी प्रकार की कोई निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में असमंजस होती है, या दुख से आक्रांत होता है, या कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय लेने में असमर्थ होता है, तब उसके मन में जब विषाद उठता है तो वो किसी सक्षम समर्थ ज्ञानी विद्वान या अपने से श्रेष्ठ बुजुर्ग तजुर्बे वाला जिसने संसार के बहुत से उतार चढ़ाव देखे हो, ऐसे व्यक्ति के पास उसकी शरण में जाकर उससे अपने विषाद को मिटाने के लिए उपाय बताने के लिए प्रार्थना करता है। अर्जुन भी जब विषाद से ग्रस्त हो गया तो वह भगवान श्री कृष्ण की शरण में आकर उनसे कहने लगा, दर्पण ने दोषो बहुत स्वागा प्रशांत काम गर्भ समूह देता ये श्रेष्ठ या निश्चित पुरोहित धर्मे शिष्यस्ते हम शादी मांगता हूँ, कि मैं धर्म को समझने में विमूढ़ हूँ, मुझे कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं, मैं आपकी शरण में आया हूँ, जो मेरे लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी हो वो मुझे कहिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरणागति आया हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। तो भगवान की शरण में अर्जुन आया, उसने ये कहा कि भगवान हम जिस राज्य के लिए उद्योग कर रहे हैं, अपने संबंधियों को मार रहे हैं, जब वही नहीं रहेंगे तो हम राज्य का क्या करेंगे, इनको मारने की बजाय यदि मुझे तीनों लोगों का राज्य भी मिले तब भी मैं इनको मारना उचित नहीं समझता। तो इससे तो अच्छा है कि मैं इस युद्ध को छोड़कर भिक्षा मांग लूं, सन्यासी बन जाऊं, इस संसार का त्याग कर दूं, क्योंकि इस हत्या रूपी दोष से जिससे मैंने अनेक अपने अपने ही संबंधियों का खून बहाऊंगा, उस खून उस रक्त से रंगे हुए भोग ही तो मुझे भोगने को मिलेंगे, इसलिए मैं उचित नहीं समझता। फिर भी आप मुझे शिक्षा दीजिए, जो आप कहेंगे मैं मेरे लिए जो उचित होगा मैं वही करूंगा। एक तरफ वो भगवान की शरण में आता है और दूसरी तरफ अपना ही निर्णय दे देता है कि ऐसे करने से ये होगा, ऐसे करने से वैसे होगा, और मुझे तो लगता है युद्ध ना करना ज्यादा श्रेयस्कर है हमारे लिए। किसी की शरण में यदि जाओ या तो पूरी तरह से उसके समर्पित होकर जैसे वो कहे वो करे करो। शरणागति का तात्पर्य यही होता है कि अपना जो मत अपना जो विचार है उसको पूरी तरह से तिलांजलि देकर दूसरे के अधीन हो जाओ, जिस पर आपको पूरा विश्वास है
ये मेरा सही मार्गदर्शन करेगा, मुझे सही रास्ता दिखाएगा और इसी में मेरा कल्याण होगा। तो जब तक आपको किसी के ऊपर विश्वास नहीं, तब तक व्यर्थ में बाहर से दिखावा करके, नाटक करके कहना कि आपकी शरण में हो, लेकिन जब कोई अगला आज्ञा करे उसकी आज्ञा नहीं मानना, ये शरणागति नहीं कहलाता। ये एक भगवान श्री कृष्ण कहा है, इसको ढोंग कहते हैं, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ। फिर भी अर्जुन विषाद में था, इसके भगवान ने कहा, ये एक तरफ कह रहा है कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागति, दूसरी कहता है, दूसरी तरफ कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। चलो कोई बात नहीं, भगवान ने उसकी बात को क्षमा किया और कहा कि इस ऐसे कठिन काल में जिसमें तेरा युद्ध करना ही कर्तव्य है, तुम युद्ध से पलायन करने की बात करते हो, इससे तुम्हारी अपकीर्ति होगी, लोग ना कहने योग्य बातें कहेंगे कि अर्जुन अपने आप को इतना बड़ा योद्धा मानता था और जब युद्ध का समय आया तो वह डर कर भाग गया, तो इससे अपकीर्ति होगी। और अपकीर्ति जो है, जो श्रेष्ठ जिसका संसार में समाज में सम्मान हो, किसी भी कारण से उसकी अगर अपकीर्ति हो जाए तो उसके लिए वो अपकीर्ति मरण से भी अधिक दुखदायी होती है। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब तो तू कह रहा है कि मैं युद्ध से प्लान कर जाऊंगा, कल को जब तेरी अपकीर्ति होगी तो उससे ज्यादा तू अपने आप को ये सोचेगा कि इससे तो मैं मर जाता, आत्महत्या कर लेते तो ज्यादा अच्छा। तो इसलिए इस समय तेरा कर्तव्य है युद्ध करना। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में बताया कि जिनके लिए तो शो कर रहा है अपने सगे संबंधियों के लिए, इनके जो शरीर है ये नाशवान, पहले भी थे ये आगे भी रहेंगे, बीच में शरीरधारी होने से हमें लगता है कि ये हमारे हैं, ना पहले हमारा कोई संबंध है इनसे, ना आगे रहेगा, इसलिए शरीर के विषय में तो शोक करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शरीर तो नष्ट होना है। दूसरी बात रही आत्मा की, आत्मा तो अजर और अमर है, अविनाशी है, वो ना शस्त्र छेद सकते हैं, नैनम छिदंति शस्त्राणि नैवम दहति पापा, ना चैनम क्लेजन्ति आपो ना शोषयति पापा, उसके ना शस्त्र छेद कर सकते हैं, ना उसको आग जला सकती है, ना उसको पानी गीला कर सकता है, और ना ही उसको वायु सुखा, यानी किसी भी उपाय से आत्मा को तो मारा नहीं जा सकता, इसलिए उसके विषय में भी दिखा शोक करना अनुचित है। तो बात दो बातें होगी, एक शरीर के विषय में भगवान ने कहा कि नाशवान है, दूसरा है उसके विषय में तो शोक करना चाहिए, जो शरीर नाशवान है होनी है उसके विषय में क्या शोक करना। और दूसरी रहेगी बात आत्मा की, आत्मा अविनाशी है, उसको तुम भी नहीं मार सकते, कोई भी नहीं मार सकते, और हमारा आत्मा का किसी दूसरी आत्मा के साथ संबंध नहीं है, आत्मा तो सबके स्वतंत्र रूप में अपने अपने कर्म भोगों को के साथ जुड़ी होती है। वासान से जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृहणाति नरो गृहाणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि स्यान्ति नमानि देहि। जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, जैसे आप लोग यहाँ पे आए हो, पुराने वस्त्र निकाल के जो आपने सवेरे डाले होंगे नए वस्त्र पहन के आए, तो क्या आपको नए वस्त्र पहनने से कोई दुख हुआ? नहीं हुआ, कोई कष्ट हुआ? नहीं, उल्टा आपको अच्छा लगा कि नए वस्त्र पहनने अच्छे लगने लगे। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का था, वासान से जीर्ण नहीं अथवा, जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहन करते हैं, वैसे ही ये जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए कर्म प्राप्त शरीर में चली जाती है, इसलिए इसके विषय में शोक करना उचित नहीं। तो उन्होंने सत और असत के विषय में बताया, कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में बताया। तो दूसरा अध्याय सांख्य योग, इसके विषय में, आत्मा के विषय में, फिर स्थित प्रज्ञा के विषय में बताया।
कि अपने बुद्धि का एक निश्चय करके ही अपने कर्तव्य का पालन करो। जिसकी बुद्धि की अनेक शाखाएं होती हैं उसका कभी कल्याण नहीं। व्यवसाय का बुद्धि गुरु नंदन वो शाखा है बुद्धि अव्यवसायी ना। फिर जो व्यवसाय बुद्धि एक निश्चय वाली बुद्धि होनी चाहिए। तो जिसकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं है वो अनंत शाखाओं से होता है। कभी कहता मैं ये करूं, कभी कहता वो करूं, कोई भी निर्णय ले नहीं पाता और नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा पहले सबसे पहले बुद्धि का एक निश्चय करो, बुद्धि योग की शरण में जाओ। तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग का ध्यान दिया अर्जुन को। कर्म योग कर, अपने कर्तव्य का पालन कर, बिना किसी इच्छा, बिना किसी लाभ हानि चाहे पराजय के, किसी आकांक्षा के, अपना कर्तव्य पालन करके केवल समाज कल्याण के लिए और मेरी आज्ञा समझकर युद्ध कर। तो इसलिए युद्ध करना ही तेरे लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है। और साथ में उन्होंने चौथे अध्याय में ज्ञान योग के विषय में बताया। उसमें उन्होंने कहा सर्व कर्मा अभिलम पार्थ, हे पार्थ सब कर्म जितने भी कर्म हैं ज्ञाने परिसमाप्य थे, अंत में ज्ञान में जाकर समाप्त हो जाते। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण ने कहा उसको कर्तव्य कर्म कर, दूसरी तरफ कहा कि जितने भी कर्म है वो ज्ञान में जाकर समाप्त हो जाते हैं, अंत में ज्ञान की शरण में जाना, ज्ञान योग। तो अब अर्जुन थोड़ा कंफ्यूजन में हो गया और भगवान ने उसको ये आपका चौथे अध्याय के थोड़ा सा संक्षिप्त आपको बता दूं, आपको बताया था कि भगवान ने कहा है जो ये ज्ञान मैं तुम्हें इस समय दे रहा हूं, ये ज्ञान मैंने इससे पहले शुरू में विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह से ये ज्ञान धीरे धीरे लुप्त होता गया। अब मैं वही ज्ञान तुम्हें दोबारा दे रहा हूं। तो अर्जुन को जो कर्मयोग का ज्ञान उन्होंने शुरू में विवस्वान को दिया था, फिर परंपरा से प्राप्त आगे चलता आया, तो धीरे धीरे जैसे कोई चीज आपको बताई जाती है थोड़े समय बाद आप भी उसको भूल जाते हो, और ज्यादा समय हो जाए तो बताई हुई बात में मिलावट आनी शुरू हो जाती है। वास्तव में बात वो नहीं होती जो शुरू में कही होती है। इसलिए भगवान ने कहा कि जो पहले से ज्ञान चला रहा है उसी ज्ञान को मैं दोहरा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। कोई नया ज्ञान नहीं है ये जो तुम्हें सुना रहा हूँ। और जिस जिसको मैंने सुनाया, जैसे विवस्वान को शुरू में सुनाया, उसके बाद उसने अपने परंपरा से दूसरे रजर्षियों में जाना, एवं परंपरा प्राप्त रजर्षो विदु सकाले ना महता योगो नष्टो कर, समय बीत जाने के कारण नष्ट प्राया हो गया है, उसी ज्ञान को मैं द्वारा दे रहा हूं। और ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने कहा है इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम्हें तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाना चाहिए। हमें जब भी किसी ज्ञान को प्राप्त करना हो तो उसका लक्षण भगवान श्री कृष्ण ने बताया तद्दी प्रणिपाते परिप्रश्ने सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञान ज्ञानी तत्वदर्शिनः। कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाओ। तत्वदर्शी ज्ञानी का अर्थात जिसे शास्त्रों का ज्ञान भी हो, तत्वदर्शी अर्थात उसे उस ज्ञान का अनुभव भी हो। एक ज्ञान शास्त्रीय ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान, किताबों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान होना इतना मुश्किल नहीं है। कोई भी विद्वान पढ़ा लिखा व्यक्ति
शास्त्रीय किताबों को पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर सकता है। लेकिन तत्वदर्शी जब तक वो व्यक्ति उस ज्ञान के ऊपर चलेगा नहीं, स्वयं अनुभव नहीं करेगा, तो उसे तत्व का बोध नहीं होगा। तो उस तत्व ज्ञान को कैसे प्राप्त करना है? वो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तद्धि प्रणिपाते, जाओ उस ज्ञानी के पास जाकर सरलता पूर्वक प्रश्न करो, दंडवत डालो, पहला उन्हें प्रणिपाते अच्छी प्रकार से तत्व डालो, परिप्रश्न प्रश्न करो सरलता पूर्वक। सरलता पूर्वक अर्थात उसकी विद्वता जानने के लिए मत करो, अपने जिज्ञासा अपनी अज्ञानता को मिटाने के लिए प्रश्न करो। कई लोग होते हैं किसी का टेस्ट लेने के लिए भी जाते हैं गुरुओं का, तो ऐसा मत करो सरलता पूर्वक। तो जब सरलता पूर्वक जाकर उनसे प्रश्न करोगे, उनकी सेवा करोगे, विनम्रता पूर्वक दंडवत डालोगे, उपदेशयन्ति ते ज्ञानं ज्ञाने सत्त्वदर्शिनः। भगवान ने कहा कि ऐसे अधिकारी जीव को वो तत्वदर्शी ज्ञानी लोग उपदेश करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को चौथे अध्याय में ज्ञान योग के विषय में बताया, कर्म योग के विषय में बताया। अब अर्जुन ने सोचा कि भगवान ज्ञान की इतनी महिमा बता रहे हैं, तो मैं भी तो यही कह रहा हूं कि सब कुछ छोड़ के मैं संन्यास ले रहा हूं, त्याग तो सर्व परिग्रह, सब कुछ परिग्रह। भगवान श्री कृष्ण चौथे अध्याय के इसमें श्लोक में कहा त्याग तो सर्व परिग्रह, सब कुछ जो आपने आपके पास हो सबका त्याग त्याग करके मेरी शरण में आओ। तो कह रहा है मैं भी तो वही कह रहा हूं, मैं सब कुछ छोड़कर ईश्वर की शरण में जाना चाहता हूं, और आप कह रहे थे मेरे को युद्ध कर, तो मिली जुली बात आप कह रहे हैं। तो एक तरफ कर्मयोग की विशेषता बता रहे हैं, एक तरफ संन्यास योग के विषय में बता रहे हैं। तो अर्जुन कंफ्यूज हो रहा है, बार बार कंफ्यूज हो रहा है क्या करना चाहिए। तो पहला अध्याय विषाद योग, दूसरा सांख्य योग, तीसरा ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवान ने दोनों कर्मयोग के विषय में बताया, ज्ञान योग के विषय में बताया। अब दोनों के विषय में बताने के पश्चात अब जिस विषय में अर्जुन कह रहा है कि आप मुझे ज्ञान की श्रेष्ठता बता रहे हैं, तो उसके इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि मैं तुम्हें कर्तव्य कर्म करने के लिए कर्मयोग के विषय में कह रहा हूं और तुम कंफ्यूज हो रहा है ज्ञान योग की चर्चा के विषय में, इसलिए मैं अब इसके विषय में और विस्तार पूर्वक कहता हूं। तो अर्जुन की यह मंशा जानने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने पांचवें अध्याय की शुरुआत की है। यहां से पांचवें अध्याय की शुरुआत होती है, इसके श्लोकों में ज्ञान योग कर्म योग के विषय में अलग अलग विशेषताएं बताकर भगवान ने अपना निर्णय दिया। वो क्या निर्णय दिया है वही आप यहाँ श्रवण कीजिए। अर्थ पंचमोध्याय पांचवा अध्याय आप अपना निकालिए। अर्जुन वाच संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम प्रशंससि यश्रेहे इत्योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन बोले हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित ज्ञानकारक साधन हो उसको कहिए। वही बात मैंने कहा कि कर्म योग और कर्म संन्यास, कर्म यानी कर्म को छोड़ना, कर्म योग मतलब कर्म के साथ ही कर्म करते हुए ईश्वर की प्राप्ति, एक कर्म का त्याग करते हुए कैसे। तो दोनों बातें आप दोनों की प्रशंसा की है आपने इससे पहले, इसलिए इन दोनों में से इस समय मेरे लिए क्या कल्याणकारी है वो मुझे बताओ। दोनों की तो मैंने सुन ली चीजें, इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ, इसमें मेरे लिए क्या निश्चितता होगा उससे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उसको क्या कहते हैं, संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करा भवो
त्योस्तु कर्म संन्यासा कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु इन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। देखो दो मार्ग हैं, दो ही मार्ग हैं। अस्मिन् लोके दुधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयान ज्ञान योगेन संख्या नाम कर्म योगेन योगी नाम। भगवान श्री कृष्ण ने चौथे अध्याय में कहा कि शुरू से ही दो प्रकार की इस संसार में निष्ठा रही है, एक कर्म योग ज्ञान योग। ज्ञान योग सांख्य योगियों के लिए, कर्म योग योगियों के लिए। इन्होंने यहां पे कहा कि दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, कर्मयोग भी संन्यास योग भी, उससे भी दोनों में से कर्मयोग ज्यादा श्रेष्ठ है। यानी संसार में कर्म करते हुए ईश्वर का भजन पूजन और लोक कल्याण के कर्म करते हुए आप गृहस्थी में रहकर ही ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। तो मैंने कहा ये मार्ग सुगम भी है और श्रेष्ठ भी है। कर्मयोग क्यों श्रेष्ठ है? कर्मयोग में हम संसार में रहकर जितने भी राग द्वेष विषय वगैरह हैं, धीरे धीरे प्रयास करके हम उनके ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं, अपने इंद्रियों के थ्रू विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें अपने आप को अब संसार से भी जोड़े रखते हैं, घर गृहस्थी भी चलाते हैं, अभी सगे संबंधियों का ध्यान भी रखते हैं, आजीविका भी कमाते हैं, सब प्रकार के कर्म भी करते हैं, और कर्मों में लिप्त भी नहीं रहते। मेन चीज है कर्मों में लिप्त ना होना। अगर आपको कर्म योग में अभ्यास नहीं किया आपने, तो संन्यास में जाकर डेफिनेटली गिरने वाले हो आप। इसलिए संसार में रहकर जैसे कैसे कर्मों के प्रभाव से बचना है, उसके अच्छे बुरे प्रभाव से बचना है, इसकी कुशलता हमें आ जाती है। योग कर्म सुपोषण भगवान ने कहा, किस कुशलता से कर्मों को योग के द्वारा ईश्वर से जोड़ना है, इसलिए कर्मयोग हो गया। जैसे एक कच्चा घड़ा होता है, कच्चे घड़े को अगर उसमें दरार आ जाए तो उसको आप ठीक कर सकते हो, टूट जाए तो दोबारा उसको मिट्टी को मिलाकर पानी से दोबारा घड़ा बना सकते हो, उसकी किसी भी तरह उसकी शेप बना सकते हो। लेकिन एक बार अगर पक गया और उसमें दरार आ गई तो ठीकरियां बनेंगी, उसके किसी के काम का नहीं होगा। इसी प्रकार संन्यास में अगर गलती आपसे हो गई, चूक हो गई, गिर गए, तो फिर किसी काम के नहीं। कर्मयोग में अगर आपसे असावधानी हो गई, उसमें आपकी माफी भी है, क्योंकि आप संसार के कर्म जो कर रहे हैं, जब आपने सब कुछ संसार को छोड़ दिया और संन्यास मार्ग में आ गए, तो वहां पे अगर आप किसी प्रकार की गलती करते हैं, उसकी कोई गुंजाइश नहीं। कर्म योग को घुमाने से जैसे अगर किसी भी घर की बिल्डिंग की नींव अगर कमजोर है, तो उसके ऊपर आप कितने भी मंजिलें बना लो, कभी भी धराशायी हो सकता है। जैसे आजकल बरसात का मौसम है, तो आपने देखा होगा टीवी में न्यूज आती है कितनी सारी बिल्डिंगें गिर जाती हैं, तो उनकी नींव अच्छी नहीं है, ऊपर सुंदर देख रहे हैं कितने कितने मंजिलें, नींव पक्की नहीं है, गहराई तक नींव नहीं है। इसी प्रकार से अगर हमारा कर्म योग अच्छा नहीं है, तो संन्यास योग अच्छा हो ही नहीं सकता। आप घर से त्याग करके यहाँ से कहीं कहते हैं चलो जी अब हमारी जिम्मेवारियां पूरी होगी, चलो वृंदावन चलते हैं, वहां रहेंगे, रहते वहां है उनका मन यहाँ पे होता है। यानी उन्होंने अच्छी प्रकार से अभ्यास नहीं किया यहाँ पे रहकर अपने आप को संसार से अलग रखने का। तो दूर रहकर भी अगर आप चिंतन संसार का करते हो, उससे अच्छा है कि आप संसार में रहकर
संसार के चिंतन से दूर रहो। इसलिए भगवान ने कहा कि कर्म करते हुए जो कर्मों के बंधन से मुक्त रहता है, उनमें लिप्त नहीं होता, लाभ और तेज रहता है, वही कर्मियों की श्रेष्ठ है। तो एक है अपना, उसकी जितना भी संसार से उसको सामग्री मिलती है, जितने उसके निर्वाह के लिए सफिशिएंट होती है, बस उसी के लिए उसी को अपने पास रखता है। शेष जितनी भी सामग्री या धन दौलत उसके पास, जितना भी साधन आते हैं, उसको संसार की सेवा में लगाता है बिना किसी इच्छा के, निष्काम भाव से। इसको कर्मयोग है। कर्मयोगों को दूसरे शब्दों में आप गलत विचार से इसको इस रूप में मत लेना कि गृहस्थी में रहो, खाओ पियो मस्ती करो मौज करो इधर उधर घूमो फिरो, बस ये कर्मयोग नहीं है। ये तो आप निर्वाह कर रहे हैं, तो पशु पक्षी भी अपने बच्चों का पालन करते हैं, खुद के लिए खाते पीते हैं। तो भगवान ने कहा जो आपका स्वयं के निर्वाह के लिए जितना सफिशिएंट है उतना करो, शेष आपका समाज के कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए लगा, दूसरों का कल्याण करो। उससे आपकी भोग बुद्धि जो है हमारी, उसका नाश होता है। तो भोग बुद्धि का नाश करने के लिए हमें जो अतिरिक्त जो भी हमारे पास साधन है, उसको संसार में या जिसको जरूरत है संसार में इस चीज की, उनकी सेवा में लगाना चाहिए। ये कर्मयोग है। केवल अपने लिए, मैंने पहले तीसरे तौर पर जाना, अपने लिए खाता है, अपने लिए पकाता है, वो पाप को ही खाता है, भगवान ने कहा। इसलिए कर्म योग को भगवान ने श्रेष्ठ माना है संन्यास योग की अपेक्षा। गेयस नित्य संन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षते निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् कर्मच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा संन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ना किसी से द्वेष करता है, ना आकांक्षा करता है। जब हमारी किसी वस्तु को पाने की कामना होती है, आकांक्षा होती है, उसके प्रति हमारा राग होता है, और वो वस्तु अगर हमें ना मिले तो हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है। तो कामना ही हमारे अंदर से क्रोध उत्पन्न करती है, द्वेष उत्पन्न करती है। द्वेष यानी जो वस्तु हमें अच्छी लगे, उस वो वस्तु हमें ना मिले, ये द्वेष है। या जो वस्तु जिससे हमें कष्ट होता हो, हम चाहते हैं वो हमारे साथ ना हो, ये द्वेष। जैसे सुख हुआ, दुख हुआ, सुख से हमारा राग होता है और दुख से हमारा द्वेष होता है। तो भगवान ने कहा किसी भी प्रकार का राग और द्वेष, यानी सुख पाने की कामना आकांक्षा, उन्होंने कहा ना द्वेष ही ना कांक्षा, जो आकांक्षा और द्वेष से रहित है, समझो वो अगर साथ में रहता है, गृहस्थी में रहता है, उसको संन्यासी समझना चाहिए। यानी उन्होंने इस चीज की विशेषता बता दी कि सन्यासी जिसमें राग और द्वेष ना हो, आकांक्षा और द्वेष ना हो, वो सन्यासी है। और अगर गृहस्थी में रहकर भी किसी में ना द्वेष है ना आकांक्षा है, वो कर्मयोगी सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि राग और द्वेष से रहित होकर जो संसार में रहता है, वो किसी बंधन में पड़ता नहीं। बंधन क्या होता है? राग और द्वेष बंधन। अगर हमारा अपने संबंधियों के प्रति, जैसे कोई हमें अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, उससे हमारी अटैचमेंट होता है, इस पर हम कहते हैं, जो हमें अच्छा नहीं लगता उसके हमें द्वेष होता है। जैसे कोई स्थान वस्तु या व्यक्ति के प्रति राग और द्वेष, कोई स्थान हमें अच्छा नहीं लगता, उसमें नहीं रहना चाहते, ये स्थान के प्रति होगा। कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगता,
ये भी उनके पति राग और खुश की भावना होगी। इस प्रकार से अगर संसार में रहते हुए जिसने राग और द्वेष को अपने वश में कर लिया है, समझो वो सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। वो बहुत इजीली आसानी से संसार से मुक्त हो सकता है, चाहे कर्म योगी है या वो उसने कपड़े बदले या नहीं बदले। संसार के साधारण लोगों की तरह वस्त्र पहने पर भी वो अंदर से सन्यासी है जिसने राग और द्वेष यानी द्वेष या आकांक्षा दोनों को अपने वश में। सांख्य योगो पृथक वाला प्रदंती न वर्तिता। देखो जी, बहुत लोगों में ये भ्रांतियां फैली हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई संन्यास जो संन्यास मार्ग का निवृत्ति मार्ग का आचरण करते हैं वो कहते हैं जी जितना मर्जी आप संसार में कर लो, जब तक आप संन्यास नहीं लोगे तब तक आपका उद्धार नहीं होगा, परम गति नहीं मिलेगी आपको। तो भगवान ने यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि जो संन्यास सांख्य योग और जो कर्म योग के विषय में अलग अलग मानते हैं दोनों को, वो लोग मूर्ख हैं। जो पंडित लोग हैं इन दोनों में कोई भी भेद नहीं मानते, दोनों को एक ही समझते हैं। इसलिए क्योंकि दोनों का फल एक ही है, कर्म योग हो या संन्यास हो, प्राप्ति वही है, रास्ते अलग अलग हैं। अगर आप यहाँ से मुंबई जा रहे हो, एक व्यक्ति ट्रेन से आ रहा है, एक व्यक्ति अपनी गाड़ी से जा रहा है, दोनों का लक्ष्य एक ही है, पहुंचना वही पे। अलग अलग मार्ग हो सकता है, एक रेल मार्ग से जा रहा है, एक हो सकता है हवाई मार्ग से भी जा रहा हो, मार्ग अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उनका लक्ष्य एक ही है। इसी प्रकार से कर्मयोग अलग तक मार्ग है उसका और संन्यास योग अलग है, लेकिन उनकी प्राप्ति जो है वो एक ही है। इसलिए जो पंडित लोग यानी ज्ञानी लोग हैं वो इसमें भेद नहीं किया करते, दोनों का फल जो है अंत में एक ही है, शुक्राप्ति परमात्मा को प्राप्त होता है। यद सांख्या प्राप्त स्थानम तद्यो ग्यारहवीं गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पच्छेद से पक्ष पच्छेद। जिसको ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो कुछ ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है वही यथार्थ देखता है, यानी दोनों को मिलने वाला स्थान एक ही है भगवान ने। जिस परम पद को ज्ञानी प्राप्त करता है, कर्म योगी भी उस फल को प्राप्त करता है, दोनों का फल एक ही है। इसलिए दोनों को भिन्न भिन्न नहीं मानना, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। कर्मयोग इसलिए भगवान ने कहा आसान है, आसान इसलिए कि हम गृहस्थी में रहते हुए हमें अभ्यास होता है कर्म करने का, क्योंकि कर्म को छोड़ के उससे अलग रहकर काम कर्म नहीं करना ये हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि कर्मयोग संन्यास मार्ग की अपेक्षा सुलभ है और श्रेष्ठ है। देखें दोनों सभी का अपना अपना होता है, कोई निवृत्ति मार्ग के पीछे से ही हमारा हो गया था। जैसे स्वामी विवेकानंद थे, शंकराचार्य थे, इन्होंने संन्यास मार्ग अपनाया। आप संत कबीर देख लो, गुरु नानक देव वगैरह थे, ये सब कर्मी योगी थे जिन्होंने घर गृहस्थी का काम भी किया और ईश्वर का चिंतन ईश्वर का ध्यान करके उन्होंने अपना आत्मा कल्याण किया, दूसरों का भी किया। ये कर्म योग थे। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी बोलिए। जैसे अगर हम डिस्टिंग्विश करते हैं संन्यास मार्ग और कर्म योग का जो मार्ग है, तो मुख्य तौर पर क्या क्या बिंदु है जहाँ पर हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? अगर एक चार्ट बनाए, इस बात को इस तरह से चाहूँ जैसे एक चार्ट के रूप में बनाए, मुख्य तौर पर क्या बिंदु हैं, क्योंकि हम उन बिंदुओं से ये समझ पाए कि इस मार्ग में ये मुख्य बिंदु है, इस मार्ग में ये मुख्य बिंदु। सांख्य मार्ग और ज्ञान कर्म, बिल्कुल सही ऐसा है। कर्म योग में यहाँ पर बार बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग के विषय में कहा। कर्म योग में संसार में समाज में रहकर जो कर्म करना हमें जरूरी है वो हमें जरूरी करने पड़ते हैं। जहां से कि युद्ध करना,
युद्ध करना क्षत्रिय का वर्ण आश्रम धर्म होता है, यानी जितने भी वर्ण आश्रम धर्म है उसके ऊपर चलना कर्तव्य, ये हमारे ये कर्मियों का एक हो गया, यानी वर्ण आश्रम धर्म का त्याग नहीं करना। संन्यास योगी को वर्ण आश्रम धर्मों का त्याग करना पड़ता है, उसको करना पड़ता है। दूसरा है कि संन्यास योगी जो है सत और असत दोनों का ज्ञान होने के बाद असत का पूर्णतः त्याग कर देता है। यहाँ कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान होने पर कर्तव्य का पालन करता है, अकर्तव्य का त्याग करता है, करने उसको सारे कर्म करने पड़ते हैं, लेकिन वो जो असत वाले कर्म है चाहे वो संसार के प्रति किसी, उसका त्याग ही कर देते हैं सन्यासी, उसको करते ही नहीं है। ये इसको करना पड़ता है, इसको सारे काम करते हैं, इसको बिजनेस भी करना पड़ता है, घर गृहस्थी का ध्यान भी रखना पड़ता है, समाज के साथ जुड़ा होता है, सारे कर्म करने पड़ते हैं इसको, ठीक? इसको अपने कर्तव्य कर्म करने ही पड़ते हैं, लेकिन इसको राग द्वेष अलिप्त राग यानी फल कांक्षा को छोड़कर करना पड़ता है। संन्यास योगी को कर्तापन का अभिमान त्याग करना पड़ता है, इसको फल का अभिमान त्याग करना पड़ता है, उसको कर्तापन का वो मोक्ष की दृष्टि से कार्य करता है, ये अपने आप को संसार का सेवक समझ के कार्य करता है, यानी इसको जितनी भी सामग्री मिलती है वो संसार की सेवा में लगाता है और वो इन सामग्रियों से ही विलग हो जाता है। मुझे चाहिए नहीं, मुझे करना नहीं, मुझे क्या करना देना इन सब चीज, छोड़ो इसको, ये करो वो करो उसकी सेवा करो, नहीं मुझे इन सब चीजों से अलग हो जाता है, वो सब चीजों से ही अलग हो जाता है संसार सन्यासी, सबसे अलग हो जाता है वो, जैसे उसने भिक्षा भोजन नाम स्मरण ये सब चीजें करता है, लेकिन संसार से रहकर जैसे कर्मयोगी संसार में रहकर अपने परिवार से जुड़ा है समाज से जुड़ा है उसको अपनी आजीविका भी करनी पड़ती है, लेकिन जितने भी वो कर्म करता है फलाकांक्षा से नहीं अपना कर्तव्य समझकर मुझे करना है, मुझे इसका पालन पोषण भी करना है, अपनी आजीविका भी कमानी है, ये भी कार्य करना है, समाज के प्रति भी करना है, वो इन सब कार्यों को छोड़ देता है, अलग हो जाता है, मुझे इसको करना लेना देना नहीं इनसे, क्योंकि ये संसारिक कार्य है, ये फंसाने वाले हैं, वो सोचता है कुछ भी नहीं, मुझे सिर्फ एक ईश्वर प्राप्ति रूपी कार्य करना है, लेकिन उसमें वो कर्तापन का अभिमान त्याग देता है, वो सिर्फ वही कार्य करता है जो उस प्रणाली के ज्ञान योग की प्रणाली के, ये कर्म की प्रणाली के कार्य, कर्म करना पड़ता है साथ में इसको, वो कर्मों से अलग हो जाता है, उसमें मुमुक्षुत्व की भावना होती है, इसमें सेवा की, ये भोग से भोग बुद्धि से समाप्त हो जाती है इसकी भोग, और उसकी संग्रह की बुद्धि जो होती है उससे अलग हो जाता है वो सन्यासी। अच्छा सन्यासी संग्रह की प्रवृत्ति, हाँ, की प्रवृत्ति से समाप्त हो जाता है, उसमें कर्तापन का कोई भी कर्म करो उसमें कर्तापन का, ये क्या करता है, ये किसमें कर्तापन जो होता है, ये कहता है कि जो कुछ मुझे मिला है ईश्वर से मिला है और मैं ईश्वर का दिया हुआ ईश्वर के अर्पण कर रहा हूँ, ये समर्पण उसकी दी हुई सामग्रियों को अपने सिर्फ निर्वाह मात्र के लिए रखकर बाकी संसार की सेवा करना है, इसलिए इसकी भोग बुद्धि समाप्त हो जाती है उससे। तो वो सत और असत के जानकर इसको सत और सत दोनों से जुड़े रहना पड़ता है, लेकिन असत में काम शक्ति नहीं रखता, राग नहीं रखता उसमें, वो उसको छोड़ ही देता है, टोटली उसको अलग ही हो जाता है उससे, लेकिन उसमें ये रखा हुआ है कि इसमें कि अलग होने के उपरांत यदि उसने कर्मियों को अच्छी तरह से नहीं किया हुआ संन्यास से पहले, तो संन्यास लेने के पश्चात भी अगर उसका राग उन कर्मों में है, शरीर से तो त्याग कर दिया है लेकिन मन से जुड़ा हुआ तो गिर जाएगा कभी, लेकिन उसमें नहीं है, अगर उसमें राग है तो वो अपने उन चीजों को संसार की सेवा में लगा देता है, इसलिए भोग बुद्धि से बच जाता है। इसका मतलब एक सन्यासी के गिरने की संभावना ज्यादा ज्यादा होती है, लेकिन सन्यासी वो श्रेष्ठ होता है जिसने कर्म योग का अच्छी प्रकार पहले एक पालन किया हो, वो सन्यासी अच्छा बन सकता है। तो सन्यासी की क्या आवश्यकता है, यहाँ पे सन्यासी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ज्ञान योग की आवश्यकता, जैसे कर्म की आवश्यकता है वैसे ज्ञान की भी आवश्यकता है, ज्ञान के बिना कर्म भी नहीं हो सकता, ये भी अगर आपको ज्ञान नहीं है, नहीं तो भगवान ने इसलिए अर्जुन को कहा था तद्धि प्रणिपते परिकृष्ण से दिया, कि आप उस ज्ञानी के पास जाओ, दंडत करो, नम्रता प्रश्न करो, उपदेश ज्ञान ज्ञानी तत्व दर्शिना,
जिसने ज्ञान को तत्व रूप में जान लिया है, उसका अनुभव कर लिया, ज्ञानी क्या करता है, संख्यों की सब कुछ त्याग के वो अनुभव की यात्रा में चला जाता है कि मुझे ज्ञान हो गया, सब कुछ हो गया। ये कर्म के द्वारा ईश्वर को पाना चाहता है, कर्म का उसको अर्पण करते जाओ करते जाओ, वो ज्ञान की चला जाता है उसकी गहराई में। क्या मुझे कर्मों से अलग होके मुझे अपने अनुभव के उस पर जाना है। जब अनुभव की जर्नी में यात्रा में चला जाता है तो उसको जो अनुभव होता है स्वयं के द्वारा, वो जो अटैच हो जाता है उसको प्रकाशित होता है, ईश्वर का साक्षात्कार होता है। तो अपना अनुभव जो है उस अनुभव के आधार पर, क्योंकि अनुभव उसका जो होता है उससे उसकी अंदरूनी जो आगे आएगा इसमें अटैचमेंट जो होती है इंद्रियों के विषयों से, मन से, बुद्धि से, उससे अलग हो जाता है, विलग हो जाता है। तो वो कर्म कर रहा होता है और ये कर्म को छोड़कर अनुभव की उसमें चला जाता है, यात्रा में चला जाता है। तो वो अपने अनुभव को कर्मयोगी से शेयर करता है। जब कर्मयोगी उससे, जब कर्मयोगी उसकी शेयर की हुई अपने अभ्यास की शेयर की, अब कर्म करता है, यूज करता है, हाँ यूज करता है, तो वो कमल के पत्ते की तरह बिल्कुल संसार में रहता है, खिल जाता है। क्योंकि उसके पास दो चीजें होगी, कर्म करने का अभ्यास, कुशलता, योग कर्म सुकोशनम वाला है ना, प्लस उसके पास ज्ञान की सामग्री भी होगी उसको। आपने कहा कि वो जैसे राजा जनक थे, कर्म योगी थे, लेकिन हमेशा उनके दरबार में ज्ञान योगियों की भीड़ लगी रहती थी। कर्म योगी नहीं, ज्ञान योगी, ज्ञान की चर्चा होती थी, तत्वदर्शी ज्ञानी उसके आते थे। तो उससे क्या होता है, जब तत्वदर्शी ज्ञानियों से आपकी अटैचमेंट होती है या उनसे लिंक जुड़ता है, तो आपके अंदर से जो संसार के प्रति आसक्ति ये सब चीजें होती हैं, तो जब आप अनुभव में उतरते हो तो चीजें आपकी दूर होती जाती हैं। फिर आप संसार के कर्म भी उतनी ही कुशलता से कर सकते हो। अगर आपको ज्ञान ही नहीं है कर्म कैसे करना, किस प्रकार से कर्म से लिप्त रहना है, तो आप कर्मयोग भी वैसे नहीं बन सकते। इसलिए उसको उसकी जरूरत होती है, उसको उसकी जरूरत होती है। सन्यासी को कर्मयोग किसकी जरूरत होती है, कि अगर उसने कर्मयोग अच्छे, उसको अभ्यास नहीं है कि कर्म से रात से लिप्त नहीं रहना है, तो वो सन्यास लेने के पश्चात भी उसका ध्यान उधर ही रहेगा। अपने आप को जबरदस्ती कर्म से अलग तो कर लेगा, लेकिन कर्म में छुपे हुए विषय जो है वो उसको विचलित करते रहेंगे, उसका ध्यान विषयों की तरफ रहेगा। तो इसलिए सन्यास में, सन्यास अगर कर्मियों का अभ्यास नहीं है तो आप सन्यास लेते हो तो गिरने के बहुत चांस, और अगर गिर गए तो फिर कुछ कोई उपाय नहीं आपके पास, फिर पक्के घड़े की तरह आप टूटोगे, उसके टुकड़े भी काम नहीं आएंगे आपको। एक क्वेश्चन और उठ गया, वैसे सबको डिस्टर्ब कर रहा हूं, कि जो कर्मयोगी है वो सिर्फ सांख्य योगी के या ज्ञान योगी के संपर्क में आके ये जान लेता है कि कर्म को किस तरह से करना है, यही आपने कहा ना, परंतु क्या वो अपने खुद के अनुभव से भी कर्म करते करते भी, कर्म में साक्षी रहकर या दृष्टा रहकर, अपने कर्मों का दृष्टा रहकर भी तो वही बात जो एक सांख्य योगी अनुभव जनित ज्ञान प्राप्त करता है, क्या एक कर्म योगी भी तो अनुभव जनित ज्ञान प्राप्त कर सकता है? हाँ बिल्कुल, कर्म योगी ये कर सकता है कि अपने ही उस दृष्टा, लेकिन उसको दृष्टा बनने का अनुभव कहाँ से आया, उसको ज्ञान कहाँ से आया? हाँ, उसने जब कर्मयोग शुरू किया, जैसे आप हो, आप संसार में रह के कर्म करते हो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं से आपने कोई ज्ञान चीज, आप ज्ञान के साथ जुड़े, किसी वक्ता ने, किसी ने भी आपको ज्ञान दिया, जिसको अनुभव था उससे आप लिया, तो धीरे धीरे जब वो ज्ञान योगी, जरूरी नहीं ज्ञान योगी हो, कर्मयोगी भी अगर दूसरा होगा उसमें भी कहीं से कहीं ना किसी ज्ञान थोड़ा आगे पहुंचा होगा। हाँ पहुंचा होगा, तो पहुंचा तब तभी पहुंच सकता है। ऐसे तो सारे संसार में लोग कर्म करते ही हैं, तो सारे अपने को कर्मयोगी बोलेंगे, अपने घर के, अपने परिवार का पेट पालना, आजीविका कमाना, क्या की उसी को कर्मयोग कहेंगे? उनको कर्मयोग की परिभाषा नहीं पता, कर्मयोग है क्या, कर्म के साथ ईश्वर से कैसे योग लगाना। तो कोई ना कोई, जैसे राजा जनक थे, उनको अष्टावक्र ने ज्ञान दिया, तभी उसको कर्मयोग का विशेष पता चला, कर्मयोग करना कैसे, लेना कैसे उससे अलग रहना। इसलिए ज्ञानियों में कर्मयोगियों में ज्ञानयोगी भी था, कर्मयोगी भी था, दोनों उसमें विशेषताएं थी। कृष्ण भी नहीं, कृष्ण तो स्वयं ईश्वर है, और हाँ वो तो स्वयं नहीं, उनके अंदर से तो ज्ञान योग और वो तो मूल है, कर्मयोग के भी मूल है, संन्यास योग के भी मूल है।
वो तो उद्गम स्थान उन्हीं के द्वारा उन्होंने कहा अस्मिन लोके दुधा निष्ठा पुनर्प्योगता, ये मेरे द्वारा कही गई है दो प्रकार की निष्ठा शुरू से मेरे द्वारा, ये नहीं बनाई उन्होंने, उन्होंने दो मार्ग बना दिए। पर वो किसको ज्यादा फॉलो करते हुए नजर आते हैं? ईश्वर अवतार तो दो तरीके से होता है, ईश्वर अवतार अलग अलग आते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग धारण किया है, कर्म योग में अवतार है, तो उन्होंने कर्मयोग की विशेषता बताई, कर्मयोग का ज्यादा अलग है। अब दत्तात्रेय महाराज थे, उन्होंने संन्यास योग धारण किया, तो संन्यास योग की शिक्षा देंगे, उनके ज्यादातर शिष्य संन्यास योगी होंगे। तो दोनों प्रकृति और नृत्य मार्ग दोनों चलता है, जो अवतार जिस मार्ग में आता है वो उस मार्ग की ही श्रेष्ठता को प्रतिपादित करता है। हाँ, क्योंकि दोनों मार्ग का बैलेंस बनाना जरूरी है। सिर्फ सन्यासी हो जाए तभी संसार नहीं चले, सिर्फ कर्मी योगी हो जाए तभी सन्यास संसार नहीं चलेगा। दोनों जरूरी है, दोनों निष्ठाएं जरूरी है, क्योंकि कर्मी योगियों को भी सन्यास योगियों की तरफ देख के ही विरक्ति मन में उत्पन्न होती है, क्योंकि एक दूसरे एक सारे एक जैसे ही होंगे तो एक दूसरे को देख के क्या विरक्ति होगी, विरक्ति को देख के ही इंसान के मन में विरक्ति उत्पन्न होती है। सन्यासी इसलिए कहा गया जो विरक्त है, सन्यास का मतलब ही है जो राग और द्वेष से रहित है, ना द्वेष थी ना कांक्ष थी। घेर से नित्य सन्यासी भगवान श्री कृष्ण ये नहीं, घेर से नित्य सन्यासी हमेशा सन्यासी समझो, यो ना द्वेष थी ना कांक्ष थी, जिसमें ना द्वेष है ना किसी प्रकार की कांक्ष, और दोनों का फल भी एक ही कहा है। हाँ, फिर भगवान श्री कृष्ण ने जब कर्मयोग का अर्जुन को उपदेश दिया तो कर्मयोग पहले तीसरे अध्याय में कर्मयोग दूसरे को मिक्स कर दिया, क्योंकि जरूरी है दोनों चीजें। अगर मैं इसको सिर्फ कर्मयोग का बनाऊंगा तो सन्यासी रह जाएगा। अब गीता को देखो, पहले अध्याय से लेकर अब छठे अध्याय तक कर्मयोग, आगे सात से लेकर बारहवें तक भक्ति योग, तेरहवें से लेकर अठारहवें तक सन्यास योग, अब एक तरफ कर्मयोग, बीच में भक्ति को घुसा दिया और लास्ट में सन्यास योग, दोनों का मिशन, दोनों भक्ति के बिना दोनों अधूरे हैं, ये आप समझ लो। बीच में भक्ति है उसके, तो ये कर्मयोग का सेशन चल रहा है कर्मयोग। अब जब सन्यास योग का आएगा तब आप देखो सन्यास योग में क्या क्या विशेषता है उसमें, तो वो आगे भगवान ने कहा है, नैश करेवम सिद्धि परमान सन्यास अधिगच्छति। वहां शिक्षण अठारहवें अध्याय के 49वें श्लोक में कहा, नैश करेवम सिद्धि परमां सन्यासेनाधिगच्छति, सन्यास के द्वारा ही निष्कर्म एवं रूप परम सिद्धि प्राप्त होती है। ये उन्होंने ठाकुर लास्ट में कहा सन्यास, जैसे महाभारत में अब ये पांडव लोग थे, उनको भी भगवान श्री कृष्ण ने ये उपदेश दिया कि सारा राजपाट आपने कर लिया, अब अपने बच्चों को देकर लास्ट में आप हिमालय की तरफ चले जाना, सन्यास ले लेना, मतलब त्याग कर देना। जब जिम्मेवारियां पूरी हो जाए तो वो हमारा आखिरी पड़ाव आता है, हमें सब कुछ त्याग करके अलग से ईश्वर चिंतन में चले जाना चाहिए पूरी तरह से। किसी कारणवश से, कई अपरिहार्य कारणों से अगर कोई सन्यास नहीं ले पाता लास्ट में, लेकिन उसने पूरा जीवन कर्मयोग का अच्छी तरह चरण किया है, तो भगवान ने कहा कि उसको वही फल मिलेगा जो सन्यासी को मिलता है। अन्यथा रूल ये कहता है, जैसे चार आश्रम बनाए हैं, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास, अगर सन्यास की जरूरत ना होती तो भगवान ने यह आश्रम बनाना नहीं था, ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ होता, उसके बाद गृहस्थ गृहस्थी में कर्मयोग सारा आ जाता है, और वो गृहस्थी बाद में सन्यास लेने से पहले गृहस्थी और सन्यास के बीच का वानप्रस्थ काल होता है। उसमें क्या होता है, पुरुष और स्त्री दोनों इकट्ठे रहते हैं, लेकिन आपस में कोई भी पुरुष और स्त्री जैसा संबंध नहीं होता, दोनों अलग अलग पूरी तरह से इकट्ठे रहते हैं, लेकिन इष्ट चिंतन करते हैं, अभ्यास करते हैं, इकट्ठे रहकर भी अलग रहने का, बाद में दोनों को अलग अलग होना, उसको सन्यास कहते हैं। मुक्ति के मार्ग में दोनों अलग अलग, लास्ट में वो सन्यास हो गए, इसलिए लास्ट में उनको भी सन्यास का मार्ग बताया था, पांडवों को चले गए थे, सब कुछ आपने कर लिया, अब आपको कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा, फिर आप जुड़े रहो, अब मैं नहीं मेरे पोते के प्रति भी कर्तव्य है, उसकी भी शादी करूंगी, ये कर्तव्य नहीं कहे जाते, ये तो जान बुझ के आपको लपेटना है गृहस्थी में, तो उसमें इन चीजों से अलग होकर।
वो अगर वो दृष्टि में रहकर भी अगर आपको एहसास कर देता है, कर सकते हो, तो आप वहीं पे सन्यासी हो। अब कोई हारे कारणों से जो कारण ऐसे हैं जिनके कारण आप सन्यास नहीं ले पाते, तब अन्य अध्ययन सबसे अलग होकर आपको एकांत में इस चिंतन में चले जाना चाहिए। ये चार आश्रम का रूल है, इसलिए चार आश्रम बनाया। ये तो गृहस्थ तक ही बनाते भगवान, या वानप्रस्थ तक ही बनाते, सन्यास का नाम लेते ही ना। और लास्ट में जो धर्म में जाए का नाम है मोक्ष सन्यास योग, सन्यास के द्वारा मोक्ष का सब कुछ त्याग करना, पहले सब कुछ होते हुए उसके बंधन से मुक्त होने का अभ्यास करना और बाद में सब कुछ त्याग कर देना। सिंपल, अगर आपको अभ्यास है तो लास्ट में उसको त्याग करने में दिक्कत नहीं होगी आपके। वो जब त्याग कर दोगे फिर आपकी क्या लाइफ होगी, वो सन्यासी हो गए, सांख्य योग हो गया समझो। और घर गृहस्थी में रहते हुए अगर आपने त्याग नहीं किया लेकिन पूरी आपने आपके अंदर त्याग की भावना है और उसके ऊपर चल भी रहो, तो आप सन्यासी है, गैर से नित्य सन्यासी, ये न दृष्टि न काम, ये भगवान तब तो उसको फल वही मिलेगा जो सन्यासी को मिलता है। लेकिन जानबूझ के गृहस्थी में असत्य रहकर हाँ तो वो फल नहीं मिलेगा। खंभे ने मुझे पकड़ लिया है। हाँ, खंभे ने पकड़ लिया। एक बार ये थे कोई व्यक्ति राजा जनक के पास गया, राजा रानी टहल रहे थे बाहर अपने महल के बाहर। उसको कहने लगे कि आप मुझे समझ नहीं आता कि आप संसार में रहते हुए भी इतने बड़े राजा हो, इतनी रानी है, तो कैसे आप इससे अलग रहते हो, आपको कैसे विदेही क्यों कहा जाता है, देह के साथ ममता नहीं, देह के किसी धर्म के प्रति आसक्ति नहीं करते, ऐसे चुप रहा उसने बोला। तो उसने अचानक वहां पे एक पेड़ था, पेड़ को जाकर जफा डाल दिया, अलिंगन कर दिया, जोर से पकड़ लिया। तो कहता ये क्या कर रहे हैं, वो कह रहा है जोर जोर से चिल्लाने लगा राजा जनक, छुड़ाओ 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 मुझे छुड़ाओ। व्यक्ति कहने लगा क्या छुड़ाओ क्या छुड़ाओ, कह रहा मुझे पेड़ ने पकड़ रखा है, पेड़ ने पकड़ रखा है। क्या पेड़ ने पकड़ रखा है, पेड़ ने कहाँ पकड़ रखा है, आपने पेड़ को पकड़ रखा है। कह रहा नहीं नहीं मेरे को पेड़ ने पकड़ रखा है। कह रहा नहीं आप गलत कह रहे हैं, आपने पेड़ को पकड़ रखा है। तो बस कहता है ऐसे ही है, हमने पकड़ रखा होता है संसार, हम कहते हैं कि संसार ने हमें पकड़ा हुआ, हम गलत कह रहे हैं। तो आप किसी से पूछो ना क्या, अरे क्या संसार ने ऐसा पकड़ रखा है, ये ममता ने ऐसे, संसार ने, परिवार ने, छूटता ही नहीं। अरे उन्होंने नहीं पकड़ रखा, आपने संसार को पकड़ रखा है, आपने पेड़ को ऐसे जफ्फी डाल रखी है ना। और कहते हैं छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ, अरे खुद पकड़ रखा है, इतनी जोर से छुड़ाएगा कौन आपको, ये होता है। तो अगर ऐसा उसको कर्मयोगी नहीं कहोगे आप, वो तो हमेशा मुक्ति है संसार में रहते हुए भी, जैसे राजा जनक और राजा। हाँ ये बात जरूर है कि ज्ञान योग की भी अपना स्थान है संसार में, तो कर्मयोग का भी अपना स्थान। और सारे ज्ञान योगी बनते हैं तो उसको भिक्षा कौन देगा, है गृहस्थी नहीं रहेगा तो गृहस्थी कितनों का पालन करता है, सबका पालन करता है, सभी आश्रमों का पालन करता है गृहस्थी, कौन देगा, उनका बहुत अभाव है। कोई किसी की यहाँ भिक्षा मांगने आता है, आप उसको भिक्षा देते हो, आपको नहीं पता हो भिक्षा आपकी ग्रहण करने के बाद तपश्चर्या करता है, अपनी दिनचर्या कैसे करता है, उस सारा सबका ब्याज आपको मिलता है कि हमारे अंदर अन्न जाता है, अन्न से ही शक्ति मिलती है, उसी से हम हर कर्म करते हैं। तो ये चीज है कि हर एक आश्रम दूसरे आश्रम पर डिपेंड है। गृहस्थी तो एक इतना बड़ा आश्रम है, दूसरे सारे आश्रम इसके ऊपर डिपेंड है। तो ये भी जरूरी है और वो भी जरूरी है। जब आपके कर्मों से बिल्कुल जितने भी आपके कर्तव्य हैं वो पूरे हो जाए तो आप स्वतंत्र हो सन्यास के लिए। और सन्यास आप लोग भी अलग से जाके एकांत में भगवान का चिंतन भी कर सकते हो, और ना भी करो अपरिहार्य कर्म से यहाँ रहो संसार में तब भी आप सन्यासी हो। उसके लिए नहीं कि आपने वस्त्र नहीं बदले इसलिए आप सन्यासी नहीं हो, ठीक है। बस ये है।